हमारे केवल और कृषि मंत्री श्री रामेश्वर नेताम जी और सुश्री लता उसेंडी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और उड़ीसा प्रांत के संगठन के सह प्रभारी भी हैं, वो भी साथ में जा रही हैं। वहां पर माननीय जुएल उरांव जी जो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, उनकी पत्नी का पिछले दिनों निधन हो गया और आज उनका क्रियाक्रम है, ब्राह्मण भोज वगैरह है, तो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। 24 जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं उनका तबादला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया गया है, किस तरह से देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे इसकी भी चिंता कर रहे हैं और नेल्लानार योजना के माध्यम से जो सरकार लाठीचार्ज हुआ सर्कल कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हुआ और कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है इसलिए लाठीचार्ज और इस तरीके की कार्रवाई। सरकार किस बात से डरेगी, डरने का कोई सवाल नहीं है और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही, कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। सर, 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 सर,